और इसी बीच बड़ी और अहम खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा। तो ये बड़ा अपडेट आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। न्यायिक रिमांड पर एक दिन के लिए अनिल टुटेजा को भेज दिया है कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है टुटेजा को। आपको बता दें, कल ईओडब्ल्यू के ऑफिस में बयान दर्ज कराने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक ईडी को लगी, ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे और उनको गिरफ्तार किया। और आज खबर यह है कि उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर एक दिन के लिए अनिल टुटेजा को भेज दिया है। लंबे समय से ये फरार थे पिता पुत्र, कल जो है ईओडब्ल्यू के ऑफिस बयान दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक ईडी को लगी, ईडी के अधिकारी पहुंचे ईओडब्ल्यू के ऑफिस, वहां से गिरफ्तार किया पिता पुत्र को और शराब घोटाले मामले को लेकर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां कोर्ट में अनिल टुटेजा को पेश किया गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, कोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर अनिल टुटेजा को पेश किया गया है। और यहीं से कोर्ट ने अनिल टुटेजा को एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। और इस खबर पर हमारे साथ कोर्ट से ही हमारे सहयोगी जो है मनोज नायक हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। मनोज, बात की जाए तो अनिल टुटेजा को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर मनोज? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोर्ट से जो है रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा निकल चुके हैं। फिलहाल जो है न्यायिक रिमांड पर उन्हें कोर्ट ने एक दिन की जेल भेजने के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो दिन भर जो है इस मामले को लेकर सुनवाई चलती रही। यहाँ पर जो है आज रिमांड कोर्ट थी और इसी मामले में जो है लगातार जो है बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच जो है काफी समय तक बहस हुई, और इसके बाद जो है एक मनोज, वहां जो अनिल टुटेजा के वकील हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्या मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी फिलहाल हमारी वकील से बात नहीं हो पाई है, अभी सीधे जो है कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसके बाद जो है सीधे जो है अनिल टुटेजा को लेकर एडी की टीम जो है केंद्रीय जेल की ओर रवाना हो चुकी है। फिलहाल जो है अब जो है उन्हें कल फिर से एक बार जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी एक बार उनकी फिर से रिमांड मांगेगी, ताकि आबकारी घोटाले मामले की एक एक परतें खोली जा सके। मनोज, अगर बात किया, क्या कुछ जानकारी अब तक कुछ मिल पाई है, क्या कोर्ट में क्या कुछ दलीलें अनिल टुटेजा या उनके वकील की तरफ से रखी गई थी, ईडी के वकीलों ने क्या कुछ तर्क वितर्क रखे हैं? जी, निश्चित रूप से जो है जब ईडी ने आज उन्हें गिरफ्तार किया और इसके बाद जो है कोर्ट में लेकर पहुंची, तो यहाँ पर कोर्ट में जो है बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि इससे पहले जो है आयकर विभाग की सूचना के आधार पर ईडी ने एक एफआईआर दर्ज की थी, पीएमएलए एक्ट के तहत जो मामले दर्ज किए थे इसी में शराब घोटाले मामले में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और इसके बाद जो है एक बार फिर जो है यह मामला जो है फिर से दर्ज किया गया है, जो कि अवैधानिक है, लेकिन इसे इस तर्क को कोर्ट ने नहीं माना। अभियोजन पक्ष की ओर से जो है अपनी दलीलें दी गई। अभियोजन पक्ष ने यह बताया कि ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज किया है उस आधार पर जो है आबकारी घोटाले मामले की नए सिरे से जांच की जा रही, क्योंकि 70 से अधिक आरोपी अब इस मामले में नामजद किए गए हैं और ईडी ने उन सभी को एडॉप्ट किया हुआ, तो कहीं ना कहीं जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नई ईसीआईआर ईडी ने दर्ज की है उसी आधार पर जो है जांच लगातार जारी है। कुछ डिस्टलरियों को भी जो है डिस्टलरी मालिकों को भी नोटिस दिया गया, उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है आबकारी अधिकारियों को भी आगामी दिनों में समन्स भेजने की बात कही जा रही है। ईडी एक और जो है ईओडब्ल्यू इस मामले की लगातार जांच कर रही है, तो दूसरी ओर जो है अब ईडी भी इस मामले में कूद पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग इस मामले में नामजद आरोपी बनाए गए हैं उनके लिए अब दोहरी मार देखने को मिल रही है। मनोज, अगर बात की जाए अब इस पूरे मामले को लेकर, कब सुनवाई होगी कोर्ट में, अब दोबारा कब पेश किया जाएगा अनिल टुटेजा को? ईडी के वकील भी हैं, हम उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। ईडी के वकील भी हमारे साथ, हम सीधे उनसे पूछ लेते हैं कि क्या पूरा मामला। और आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे, आईडी।
काफी लंबी प्रोसीडिंग हुई है, क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या आदेश है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के द्वारा एक FIR रजिस्टर करी गया। एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के द्वारा एक FIR दर्ज की गई, जिसमें कि 420, 467, 471 और ऑन धाराएं IPC की थी, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की भी धाराएं थी, धारा 7-12 थी, और वो FIR दर्ज की गई थी क्वा लिकर स्कैम के वजह से, और उसमें इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो अपना अलग से कर ही रहा था। चूंकि ये जो IPC के सेक्शन हैं, सेक्शन 420, 467, 471 और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 712 है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल ऑफेंस है, तो शेड्यूल ऑफेंस होने के कारण इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर के जोनल ऑफिस ने एक ECIR पुनः दर्ज करी, और दर्ज करने के पश्चात उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर बढ़ाते हुए लिकर स्कैम में कुछ हमको ब्रेक थ्रू मिला, कुछ हमको एविडेंसेस मिले, उसके मद्देनजर कल एंटी करप्शन ब्यूरो में स्टेटमेंट चल रहा था, वर्तमान अनिल टुटेजा जो भूतपूर्व IAS अधिकारी है, उनके सुपुत्र यश टुटेजा का, तो वहां पर हमने उनको समन किया। समन करने के बाद वो हमारे ऑफिस आए, ऑफिस में उनका से पूछताछ की गई, पूछताछ के पश्चात ऐसा हमने पाया कि हमारे पास सफिशेंट आधार हैं, रीजंस टू बिलीव हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उन्होंने एक अपराध प्रथम दृष्टया कारित करने के प्रमाण दिख रहे हैं, तो अनिल टुटेजा को हमने आज रात में अरेस्ट किया है, और उनको यहाँ पर जो है, चूंकि स्पेशल कोर्ट आज संडे होने के कारण है नहीं, तो जो कंसर्न ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने हमने आज प्रस्तुत किया था, और हमने 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन कस्टोडियल रिमांड ना देते हुए एक दिन की जुडिशियल रिमांड ग्रांट की गई है अनिल टुटेजा को, और ये केस को पुनः कल जो स्पेशल कोर्ट है उसके समक्ष रखने के ऑर्डर अभी पारित हुआ है। तो आप सुन सकते हैं कि फिलहाल जो है अनिल टुटेजा को एक दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया। हम सीधे उनसे जुड़ लेते हैं, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। सर, बचाव पक्ष की ओर से क्या दलीलें देंगे? चलो ठीक है, सर बचाव पक्ष की ओर से भी दलीलें देंगे। कौन कौन सभी लगल? ये आज अनिल टुटेजा को पेश किया गया था कोर्ट में, क्या निर्णय आया और किस तरीके की दलील थी? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ECIR दर्ज करने के पश्चात, जो कि 11 अप्रैल को दर्ज की गई है, उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा था, और उसके संदर्भ में अनिल टुटेजा भूतपूर्व IAS ऑफिसर हैं, उनकी अरेस्ट की गई है, जो कि लिकर स्कैम से संबंधित हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में की गई है, और उनकी 14 दिन की कस्टोडियल।